दोस्तों देखिए, यह है गांव का खेत पूरा जो है, इसको क्या बोलते हैं, बांस का बस बिट्टी दोस्तों, बस बिट्टी बोलते हैं इसे, और हिंदी में बांस यह तो सबसे ज्यादा बोले जाने वाला जो वर्ड है बांस वो यही बांस है दोस्तों। और आप देख सकते हैं यह है आम का बगीचा, काला कुत्ता और काला कुत्ता दोस्तों ऑन डिमांड दिखाया जा रहा है गांव का नजारा, मनमोहक दृश्य। मैंने अगर सुकून चाहिए, शांति चाहिए जिंदगी में, तो फिर आपको गांव आना होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं गांव का मजा ही कुछ अलग है किसी से लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो कैसे मन को शांति करें, तो दोस्तों गांव आ जाइए। और अब आपको हम दूर से ही पहले दिखा दे रहे हैं कि अभी हम लोग जहां जाएंगे तो वहां का भी आपको दृश्य दिखा रहे हैं। वो देखिए, आपको दूर दिख रहा है वो जो आपको एक गुच्छा सा दिख रहा है पौधा का, वो नुन्नू लोग का है, नुन्नू ही नाम है ना, नुन्नू का है और हम लोग का आप देख सकते हैं वो काफी दूर है हम लोग को जाना है, ठीक है। तो पूरा खेत है, खलियान है, शांति है, सुकून है, गांव का पुआल है, देख सकते हैं सारे लोग अपने काम धंधा में लगे हुए हैं, कोई मोह माया नहीं है यहाँ दोस्तों। सबसे बड़ी चीज है गांव का कि कोई मोह माया नहीं, आराम से कमाइए धमाइए, सुकून से सोइए। साला शहर में रहिए, टेंशन है में रहिए जिंदगी भर, कार लेना है, बिल्डिंग लेना है, स्विमिंग पूल बनाना है, तो साला बिजली बिल भरना है, दाल लाना है, चावल लाना है, लहसुन लाना है, इत्यादि लाना है, लेकिन गांव में वैसा कोई सीन नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, इस पे जो हम लोग चल रहे हैं आड़ी, इसको बोलते हैं दोस्तों आड़ी सॉरी दोस्तों, आड़ी नहीं आरी बोलते हैं। और देखिए आगे आगे चल रहा है रोशन, और उसके पीछे पीछे है आदर्श। आदर्श अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, बोल दिया है कि हमको YouTube में नहीं आना है। आपको आदर्श के बारे में भी बताएंगे, बहुत ही टैलेंटेड गाइस है वो। और हम लोग अब धीरे धीरे जा रहे हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफी मजा आएगा दोस्तों। अंत तक नहीं बने रहिएगा तो मजा आने का जो संभावना है सो कम है। और देख सकते हैं ये जो है गेहूं का खेती, है ये, और यहाँ अभी खुदाई हो चुका है मिट्टी का, उसको क्या बोलते हैं रोशन, बीज उज डला गया है हरा हरा, आप देख रहे होंगे हल्का हल्का। ये देखिए सारा जो है ना सब गेहूं, ये देखिए ध्यान से देखिए, गेहूं का है सब, हरा हरा जो है गेहूं का है। और मैंने आप देख सकते हैं दूर दूर तक इतना जमीन, शहर में आदमी मैंने तरस जाता है देखने के लिए, लेकिन आप गांव में जब आइएगा ना तो जमीन देखने के बाद आपको जमीन खरीदने का मन नहीं करेगा, इतना जमीन है, देख सकते हैं दूर दूर तक सब दादा जी, दादा का, नाना का, सबका प्रॉपर्टी यही है दोस्तों, किसी तरह का कोई गमे नहीं है, जमीन वही रहेगा, वही है दोस्तों देखिए। और अभी हम लोग आगे आगे जा रहे हैं, वीडियो काफी लंबा होने वाला है, एंजॉय आ रहा है तो बने रहिए। देखिए दोस्तों सरसों का फसल काफी, और गोएठा भी है दोस्तों, गोएठा है, सरसों का फसल है, गेहूं का फसल है। और देखिए लोग जो हैं अभी जो जैसे धान उन कटाया है ना, तो वही पुआल बनता है। आप लोग शहर में रहने वाला लोग क्या जानेगा कि पुआल कैसे होता है, तो इसलिए वीडियो में बता रहे हैं कि धान जो कटाई होता है तो जो फिर जो फसल उसका जो पौधा बच गया ना, सो ही पुआल बन गया, तो इसलिए आप लोग बने रहिए। और ये देखिए दोस्तों अब मसूरी का दिखाते हैं दोस्तों,
ये जो हरा हरा है सब मसूरी का है, इसी में सरसों भी है। आपको हम छू के बताते हैं कि मसूरी कौन है। ये देखिए ये वाला, ये है मसूरी, और ऐसा जो पत्ता दिख रहा है सो है सरसों। बने रहिए वीडियो में दोस्तों, अंत तक बने रहिए, काफी मजा आने वाला है, वीडियो काफी लंबा होगा। वीडियो को स्किप कर गए तो गांव का जो मजा है सो खो देंगे आप। और देखिए भैया भी आए हैं, सो हमारे साथ ही आए हैं, जमशेदपुर से आए हैं, देखने का नजारा ये भी आनंद ले रहे हैं। भैया ही के साथ आए हैं हम लोग स्कॉर्पियो में। ये देखिए यही है गोएटा। आप सोचेंगे गोएटा कैसे बनता है, तो गाय भैंसी जो गोबर देती है तो उसी से गोएटा बनता है दोस्तों। और ये देखिए ये है पुआल, पुआल जो धान कटाया ना सो पुआल बना। 10 मिनट का वीडियो बनेगा दोस्तों, 10 मिनट का वीडियो बनेगा, स्किप करना है स्किप करिए, लेकिन वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ ये देखिए, ये है ये जो घर बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, केकड़ा के द्वारा। ये देखिए इसके अंदर अभी केकड़ा होगा, तो हम लोग इसके अंदर अभी हाथ उत नहीं लगाएंगे, दूसरा का खेत है निकल जाते हैं, नहीं तो बड़ी मार मारेगा अगर ये देख लिया कि उसका हम जो गेहूं का खेती है बर्बाद कर रहे हैं। देखिए कितने सुकून से लोग काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साला शहर में बिना बाइक का काम ही नहीं होता है। अभी हम लोग लगभग 3-4 किलोमीटर चल के आ गए हैं, यही शहर में अगर 3-4 किलोमीटर चलना होगा तो नहीं पता कितना ऑटो बदलिए, 10 रुपया दीजिए, इतना रुपया दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। कमाइए धमाइए, रिटायर होके गांव आइए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कमाइए धमाइए, रिटायर होइए, गांव आइए, एंजॉय कीजिए दोस्तों, शहर में कुछ नहीं रखा है। देखिए दूर दूर तक देखिए दोस्तों, ये देखिए आपको पूरा नजारा दिखा रहा हूँ, दूर दूर तक खाली खेते खेत दोस्तों, दूर दूर तक खेत खेत ही खेत दिख रहा है। और शहर में ये जो अभी आप खाली इतना थोड़ा सा जमीन देख रहे हैं, ये जो खाली जितना में यहाँ गेहूं का खेती हो गया, इतने ही जमीन लेने के बाद शहर में लोग बाप बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, तो साला काका बन जाते हैं। यहाँ देखिए जमीन खाली है, खाली पड़ा हुआ है, सब खेती बाड़ी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, कोई मोह माया नहीं दोस्तों, एक नंबर जगह होता है गांव। अभी आपको दिखाएंगे रोशन जो है आए हुए हैं, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, जो अभी आपको बताने जाएंगे कि क्या ये चीज क्या चीज का खेती हो रहा है। ये तो सरसों का ही खेती है, सरसों का खेती है। और अभी आपको हम और ये देखिए ये क्या चीज का है रोशन, ये गेहूं का है, गेहूं से ही ना आटा आता है जी, सोई गेहूं है ये, अभी ये गेहूं का जस्ट अभी उगा है पौधा है दोस्तों। ध्यान से देखिए बादाम का दोस्तों, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये है बादाम का खेती, ये देखिए कौन है बाइक पे कूद रहा था ये देखिए इसको खड़ बोलते हैं, खर जो पहले पुराना गांव में जो घर सब बनता था, तो यही जो खर है ये सब खर है, खर डलाता था। ये देखिए बादाम का खेती, बादाम का खेती दोस्तों, दोस्तों बादाम का खेती देखिए। और अब हम लोग आ गए हैं अपना बगीचा में दोस्तों, और ये देखिए ये हमारा आम का पेड़ है, और लगभग आप मान के चलिए कि ये 150 साल पुराना आम का पेड़ जो आप देख रहे हैं, 150 से 200 साल पुराना आम का पेड़ है दोस्तों।
ये देखिए रोशन जो है अभी झूला झूल रहा है डाल पे बैठ के, यही इंजॉयमेंट है दोस्तों। ये आदर्श जो यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये हमारा जो खेत है दोस्तों, इसमें एक दो तीन चार पाँच टोटल 6-7 दोस्तों। देखिए दूर दूर तक जो है, मतलब ये आम का हम लोग का खेत हुआ, सो आम का खेत है। लगभग 10 पौधा यहाँ पर है। एगो आप देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए एगो जो है सूख गया है, ठीक है। तो मान के चलिए मोटा मोटी 9 गो और बचा है। देखिए देखिए 150 साल पुराना पेड़ है, और आप देख सकते हैं जो ये टूटा हुआ नहीं है डाली, ये देखिए डाली जो है यहाँ पौधा के साथ एकदम कनेक्ट है दोस्तों। ये देखिए शहर में झुलवा है, मगर और जो एक्सपर्ट हैं हमारे खेत के एक्सपर्ट अंकित नाम है, अंकित मिश्रा, सो अभी झूला झूल रहे हैं। मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को झूल करके कैसा लगता है, थोड़ा लीजिए आप। देखिए दोस्तों जमशेदपुर से आए हुए भाई, जमशेदपुर से आए हैं हम लोग गांव का नजारा लेने, गांव का नजारा यही सब मजा है दोस्तों। गांव आ गए, मतलब बचपना जो है वो हमेशा याद आ रहा है, उसका हम लोग झूलवा झूल रहे हैं। बहुत छोटे थे दोस्तों, इतना छोटे थे तो यही डाली पर बैठ के जो है हम लोग सोच करते थे दोस्तों। और अभी देखिए यही डाली में बैठ के जो है अभी इंजॉय कर रहे हैं। काफी मजबूत है आम का पौधा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।